वैसे तो ये बात सच है कि बिना मेहनत किए सफलता का मिलना नामुमकिन है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत के साथ साथ भाग्य पर भी उतना ही भरोसा रखते हैं। शायद यही कारण है कि हस्तरेखा एक ऐसी विद्या है जो कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य को बताता है। हाथों में बनी हर रेखा कुछ ना कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताती है, साथ ही बताती है आपकी आर्थिक स्थिति को भी, जो कि आने वाले दिनों में मजबूत होगी या कमज़ोर। तो आइए जानते हैं आपकी हस्तरेखा आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताता है। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा सही गोलाई में स्थित है, मस्तिष्क रेखा दो भागों में है और हाथ में त्रिकोण का चिन्ह है, तो बताते हैं कि उस व्यक्ति को समय समय पर धन लाभ होता रहता है। भाग्य रेखा हथेली के अंतिम स्थान से यानी मणिबंध से शुरू हो रही हो और शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, साथ ही भाग्य रेखा पर किसी प्रकार के अशुभ निशान ना हो, तो व्यक्ति व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय से धन लाभ होने के योग भी बनते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी की हथेली भारी और फैली हुई होती है तो आगे चलकर उसे धन लाभ अवश्य होता है। हथेली में शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के पास से दो या इससे अधिक खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति को धन और सुख मिलता है। अगर हथेली में शनि पर्वत का भाग उठा हुआ है तो धन लाभ का योग बन सकता है। इसी तरह हाथ में मौजूद अन्य रेखाएं भी आपके भाग्य में धन का लाभ बनाती हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।